उन्हें गेंद पर पूरी महारत हासिल थी। जब माराडोना गेंद लेके दौड़ता था या डिफेंस के जरिए डबल करता था तो लगता था कि गेंद उसके जूते से बंधी हुई है। मुझे याद है कि उसके साथ हमारे शुरुआती ट्रेनिंग सेशन में टीम के बाकी खिलाड़ी इतने हैरान थे कि वे बस खड़े होकर उसे देखते रहते। हम सभी ने खुद को उसकी प्रतिभा का गवाह बनने का सौभाग्य माना। ये शब्द थे बार्सिलोना टीममेट लोबो कैरस्को के। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे फुटबॉल के एक महान खिलाड़ी मैराडोना के जीवन की, जिनकी मृत्यु 25 नवंबर 2020 में हुई। डियागो मैराडोना, जिनका पूरा नाम डियागो अर्मांडो मैराडोना, का जन्म 30 अक्टूबर 1960 को लानुस बियोनोस एरिस अर्जेंटीना में हुआ। उनके पिता डियागो मैराडोना, जिन्हें प्यार से चिट्टोरो कहते थे, एक गुआनी थे, और उनकी माँ डालमा सिल्वाडोरा फ्रेंको, या प्यार में जिन्हें दोना तोता बोला जाता था, इतालवी मूल की थी। अर्जेंटीना फुटबॉल या सॉकर खिलाड़ी, जिसे आमतौर पे 1980 के दशक के शीर्ष फुटबॉलर के रूप में माना जाता है और अब तक के सबसे महान खिलाड़ी हैं। गेंद को नियंत्रण करने और खुद को और दूसरों के लिए स्कोरिंग के अवसरों को बनने की उनकी क्षमता के लिए प्रसिद्ध, उन्होंने क्लब टीमों को अर्जेंटीना, इटली और स्पेन में लीड किया, और उन्होंने 1986 के विश्व कप जीतने वाली अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम में कप्तान बन कमाल कर दिया। मैराडोना ने फुटबॉल प्रतिभा को बचपन में ही जल्दी प्रदर्शित कर दिया था और 8 साल की उम्र में वे लास सिबोलेतास द लिटिल अनियन में शामिल हो गए। उनके साथ लड़कों की टीम लगातार 136 गेम और एक राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतती रही। उन्होंने 14 साल की उम्र में अर्जेंटीना के जूनियर्स के साथ हस्ताक्षर करे और अपने 16वें जन्मदिन से 10 दिन पहले 1976 में अपना फर्स्ट डिवीजन डेब्यू किया। केवल 4 महीने बाद ही उन्हें नेशनल टीम में शामिल कर लिया गया। ऐसा होने वाले वे अब तक के सबसे कम उम्र के अर्जेंटीनी बन गए। हालांकि उन्होंने 1978 के विश्व कप विजेता टीम के में से बाहर रखा गया क्योंकि वे अभी बहुत कम उम्र के थे। अगले ही साल उन्होंने राष्ट्रीय अंडर 20 टीम का नेतृत्व किया और एक जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप ले लिया। मैराडोना 1981 में बोका जूनियर्स में चले गए और तुरंत उन्हें चैंपियनशिप हासिल करने में मदद की। इसके बाद वे 1982 में एफसी बार्सिलोना के साथ खेल रहे थे और 1983 में स्पेनिश कप जीता, और फिर एसएससी निपोली 1984 से 1991, जहां उन्होंने बड़ी सफलता हासिल करी। पारंपरिक रूप से कमज़ोर नेपल्स को इटालियन फुटबॉल की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। मैराडोना के साथ टीम ने 1987 और 1990 में लीग टाइटल कप का खिताब हासिल किया। मैराडोना का निपोली के साथ कार्यकाल तब समाप्त हुआ जब उन्हें अर्जेंटीना में कोकीन रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। फुटबॉल खेलने से 15 महीने का निलंबन मिला। इसके बाद वे स्पेन में सेविला और अर्जेंटीना में नेबल्स ओल्ड बॉयज के लिए खेले। 1995 में उन्होंने बोका जूनियर्स में वापसी की और 25 अक्टूबर 1997 को अपना आखिरी मैच खेला। अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम के साथ मैराडोना का करियर में 1982, 1986, 1990 और 1994 में विश्व कप के प्रदर्शन में शामिल थे। उन्होंने मेक्सिको में 1986 की प्रतियोगिता में अपना दबदबा बनाया, इंग्लैंड पर 2-1 के क्वार्टर फाइनल में जीत हासिल की। उन्होंने विश्व कप के इतिहास में सबसे यादगार गोल किए। पहले उनके हाथ से गोल बन गए थे, ये रेफरी की गलती थी जिसने माना कि गेंद उनके सिर पर लग के गई है। तब उस पल को हैंड ऑफ गॉड गोल के रूप में याद किया जाता है। दूसरा ऐसा जब मैराडोना ने मिडफील्ड पर गेंद को कब्जे में लिया और गोल में गेंद डालने से पहले अंग्रेजी डिफेंडर्स के माध्यम से ट्रिप लगाई और कीपर को चकमा दे दिया। वे 1994 के विश्व कप पूरा नहीं खेल पाए क्योंकि उन्होंने एफेड्रिन के लिए परीक्षण में पॉजिटिव पाया गया। उनको फिर से निलंबित कर दिया गया। मैराडोना ने 1987 और 1988
1999 में दक्षिणी अमेरिका चैंपियनशिप विजेता टीमों के साथ भी खेला। एक नाटा दृढ़ मिडफील्डर, मैराडोना अर्जेंटीना के निचले वर्गों में जहां से वे निकले थे वह दक्षिणी इटली के नायक बन गए, जहां उन्होंने नेपोली को अमीर उत्तरी क्लबों पे जीत दिलाई। उन्होंने अपने 21 साल का पेशावर करियर के दौरान 259 गोल दागकर 490 आधिकारिक क्लब खेले। अर्जेंटीना के लिए उन्होंने 91 मैच खेले, 34 गोल करे। फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक इंटरनेट पोल में 20वीं शताब्दी के शीर्ष खिलाड़ी मैराडोना का नाम था। 2008 में मैराडोना को अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच बनाया गया। अर्जेंटीना के 2010 विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में खेलने के कुछ समय बाद वे और देश के फुटबॉल गवर्निंग बॉडी और एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन पे सहमत नहीं हो सके और टीम के मुख्य कोच के रूप से उनका कार्यकाल समाप्त कर दिया गया। 2011 में मैराडोना को यूएई क्लब अल वसल के कोच के रूप में नियुक्त किया गया था। हालांकि टीम ने संघर्ष किया लेकिन अगले वर्ष मैराडोना को निकाल दिया गया। उन्होंने 2018 में मेक्सिको के डोराडोस डी सिनोला के कोच बनने से पहले कई अन्य क्लबों के लिए काम किया। मैराडोना ने 7 नवंबर 1984 को ब्रूनस आर्स में लंबे समय तक मंगेतर काउडिया विल्फ्लिंसे से शादी की और उनकी दो बेटियां डालमा नेरिया और जेनेनिया डोनरा हुई, जिनके द्वारा वे 2009 में नाना बन गए। 2004 में मैराडोना और विलाफांसे का तलाक हो गया। मैराडोना ने स्वीकार किया कि वे डियागो अर्मांडो मैराडोना सिंगरा के पिता हैं, जिनको डियागो जूनियर या डियागो के नाम से भी जाना जाता है, जो मैराडोना और क्रिस्टाना सिंगरा नाम एक युवा स्थानीय महिला के बीच संबंध के दौरान पैदा हुए। डियागो अर्मांडो मैराडोना सिंगरा एक इटालियन फुटबॉलर और बीच फुटबॉल खिलाड़ी हैं। 25 नवंबर 2020 को 60 वर्ष की आयु में मैराडोना के ब्रूनस आर्स अर्जेंटीना के टिग्रे में उनके घर पर दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। कृपया लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। गुड बाय। गॉड ब्लेस यू।